हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज संडे है और दोबारा हम एक सड़े से मूड के साथ जा रहे हैं नंदी हिल, क्योंकि मूड ख़राब करा है एज यूजल। वैभव नहीं, मूड ख़राब लड़का, खाना ख़राब लड़का हो तो इसे तो हम जा खाना रहे हैं बदोस। नंदी। खाना बदोस खाना बर्दोश्त क्या होता है पता नहीं, मैंने सुना है हाँ। उसमें खाना तो बदोस। हम 3 बजे उठ गए थे और अभी बज रहे हैं 5, और 2 घंटे से हम गायब थे क्योंकि वैभव बहुत ही ज्यादा क्या खाना बर्दोश है एक सब भर के दूसरे का मूड खराब करने में। मतलब 2 मिनट लेट है हमको, दो हमारा मिनट प्लान था कि हम 3:30 निकलेंगे, 10 मिनट लेट हो गया। तो भाई इन दोनों ने ऐसी दुनिया हिला दी थी जैसे मोदी जी की स्पीच थी। वहाँ सनराइज नहीं था, होना था मोदी जी की स्पीच होनी थी। तो काफी सॉरी के बाद मैं मान गई हूँ, तो मैंने कैमरा उठाया। अदरवाइज आज तो मैंने सोच ही लिया था कि करना ही नहीं इनके साथ तो कुछ ब्लॉग व्लॉग, कोई बात ही नहीं करनी इनसे। मैं तो पीछे ही बैठी थी, वो तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा, तो मैं मुँह मत बनाओ, तुम इससे बना लो ना मुँह अपना, ठीक है। तो गाइस हम तीन इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं अपनी नींद खराब करके। मैंने जैसे मैंने बताया मोदी जी की स्पीच है, वैभव मोदी की स्पीच है नंदी हिल के सनराइज में। तो हम जा रहे हैं एट लास्ट आफ्टर 1.3 ईयर्स बैंगलोर में बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं नंदी हिल्स। और हमारे साथ हैं सर जी। सर जी भी वॉमिटिंग कर चुके हैं, सर जी भी खाना बर्दोश ही है एक नंबर के, एक खाना बर्दोश ही है। हाय बोल दो। हेलो। और आपका स्वागत है हमारे कार व्लॉग पे दोबारा से। मैंने सोचा था इस बार मैं कार व्लॉग नहीं करूँगी, इस बार मैं स्टार्ट करूँगी घर से प्रॉपरली, बट मोदी जी की स्पीच थी तो 10 मिनट लेट होने में मोदी जी ने पूरी दुनिया हिला दी थी। मोदी जी को बड़ी टाइम से पहुंचना था वहां पे। कुछ कुछ कहना चाहते थे अपने शब्द अपने लिए, अपनी तारीफों के लिए। पंक्चुअलिटी तो मेरे क्वालिटी क्वालिटी नहीं है ये, पंक्चुअलिटी तुम्हारी तुम्हारी शादी के लिए ये प्रॉब्लम बनती जा रही है तुम्हारी पंक्चुअलिटी, ये याद रखो। बीवी लेट कराती है, ये नॉर्मल है, सबकी बीवियां कराती है। अगर कोई लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड या बीवी है और वो लेट कराती है तो नीचे कमेंट करो, बीवी लेट करवाती है। हम लोगों को और भी काम करने थे, इन्हें क्या होता है सुबह उठते ना मुंह धोना, ब्रश भी करा नहीं करा, क्यों नहीं करा ए ब्रश करा, मुंह धोया, कपड़े पहने, चलो भाई। और कुपर का ये पानी रख लिया, कुपर का पानी का डिब्बा रख लिया, ये कर लिया, वो सारा काम हमारा है, लेकिन टाइम से रेडी भी होना है। रेडी ही होना तो सबसे बड़ी टेंशन है। कुपर तू फिर कहाँ घुस गया, उसी में तो आधा घंटा लगता है। तू जो घुस रहा है ना उसमें मुझे डर लग रहा है। कहाँ है तू, कहाँ है, क्या कहाँ घुस रहा है? खाना बर्दोश एक नंबर का, इसको आना हर जगह है हमारे साथ, फिर वॉमिट भी करना है आने के लिए, इसको भी हर जगह आना है कि हाँ मैं भी आऊंगा। ये लड़के कूपर 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 बकलोल तुमने ही सिखाया, हंसो मत बकलोल वर्ड, मेरे को तो पता भी नहीं था वो उनका फेवरेट। पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़ेगा, 10 मिनट पहले आते ना तो 10 मिनट और इस जाम में बैठे रहते। हग्गी वग्गी करके और तुम्हारे लिए उनके लिए रिफ्रेशमेंट, और तुम्हारे लिए भगवान को सूर्य नमस्कार करने के लिए। देख लो 2 साल में लोग कितना चेंज आते हैं, तो बोले हमारे दूसरों के लिए रिफ्रेशमेंट है ये, और हमारे लिए हम सूरज नमस्कार करने जा रहे हैं। ऐसे होता है, पहले हमें भी बाइक में बैठा के ब्रेक दिए जाते थे। आपका नंदी हिल में स्वागत है, मतलब यहीं से रोक दो तुम ना, सही व्यू आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद नाश्ता भी कहीं रास्ते में ही करेंगे,
हाँ, ये मत सोचना कि मैं घर जाके कुछ बनाऊंगी, एक्सपेक्ट करो भी ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, जाके हम सो जाएंगे। चलो चलो चलो, भीड़ देखो। भाई कूपर पे अटैक, मैं तुमको ढूंढ रही थी कि कहाँ गए कहाँ गए। नीचे से तीन कुत्ते, मैंने जैसे कहा आवाजें, मैंने जब ना इधर देखा ना उधर, ऐसे पकड़ लिया और सब लोग मुझे देख रहे। फिर एक लड़का भी आया, इसमें वो बेचारा तो प्यार से आया मुझसे पूछने, इज ही ओके। तो मैं तो इतना, मैं रोने वाले, मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे ना, मैं इतना, मैं बेबस सी हो गई, मैं क्या करूँ। फिर मैंने इसे गोदी में लिया और जैसे ही नीचे रखो, कहाँ 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 आवाज करने लगी। और तुम इतने लंबे होके भी नहीं देख रहे थे कि इतनी भीड़ थी गाइस। पैसे लेके रखना जब भी यहाँ आओ, क्योंकि हम बिना पैसे के आ गए थे। तो हमने एक बंदे को 180 रुपीस दिए, 150 का 220 दिए और 200 लिए, 220 दिए हैं और 200 दिए हैं, 20 रुपए क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, तो कैश का बड़ा किल्लत है। उसके बाद इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि लाइन में लगना पड़ता है टिकट के लिए। वैभव लाइन में लगने के लिए गए, तब तक मुझे बोला रुक, और वहाँ पर कूपर पे अटैक हो गया। और चलो कोई बात नहीं, नाउ ही इज सेफ, एंड मुझे लगा नहीं था अब हम जा पाएंगे, पर हम जा रहे हैं। सच में अच्छा है यार, सच में फाड़ू है। पास चलते ना, तभी दिखेगा सनराइज। यार सही में वर्थ इट है यार, ऐसे नहीं है। एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे, तो हमने मिस नहीं किया। मुझे लग रहा था आज मिस हो जाएगा, मुझे भी लग रहा था बिल्कुल यार। लेकिन वो बहुत प्यारा है, देखो वो जो बादल है ना, स्टार्ट मोमेंट हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया। हाँ, पूरा ऑरेंज लाइन और इस क्राउड देखो। अरे अरे दोस्ती होगी तुम्हारी, नई ब्रीड बनाएगा तू, हटाओ ना, हटाओ ना उसे। अच्छा लग रहा है ये चीज, मतलब हम कितना ऊपर है, मैं ये सोच रही हूँ यार। मुझे तुम इतने स्मार्ट लग रहे हो ना आज वैभव, मतलब इस व्यू के साथ तुम इतने हैंडसम लग रहे हो, ये देखो वाह।
सो गाइस ये है नंदी व्यू पॉइंट, और कैसा लगा वैभव? तो बर्थडे तो माना, मैं ऐसा नहीं लगा कि बेकार हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आगे। हाँ, और भीड़ देखो, एक पॉइंट ऑफ मतलब अच्छा लगा। हाँ मुझे भी, पूरे बादल तैर रहे हैं और यहाँ से सनराइज हो रहा है, इट वाज सो ब्यूटीफुल, यू शुड मस्ट विजिट हियर। नियर बाय 60 किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा व्यू है। एग्जैक्ट, मतलब नैनीताल का भी व्यू फेल कर दिया इसने भाई। हाँ, ये व्यू कहीं नहीं देखा था मैंने आज तक, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्यू आई हैड सीन, सो नंदी पॉइंट मस्ट विजिट, प्लस डॉग फ्रेंडली है। और वैभव के चेहरे पे खुशी, आपको बता सकते हैं कि वो कितने खुश है यहाँ आके। है वैभव, कितने खुश हो? मैं तुम्हारे होटल में जूम करूंगी यार। अब थक गए हम इतना और अब हम सोने जा रहे हैं, तो हम ये ब्लॉग ही एंड करते हैं। बाय, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने वैभव से बोला आज ब्लॉग तुम एंड करोगे, मैं बहुत थक गई हूँ, तो कह चलो दोबारा से मैं कहती हूँ, तो मुझे तुम्हारी मन में एक बार और करो ना गाइस, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो जैसे वैभव ने कहा कि प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करो, तुम्हें नंदी हील का वास्ता, सब्सक्राइब करके जाना, मैं नींद आ रही हूँ, जा रहे सुन, गुड नाइट।